जॉर्ज। ओह डियर, जॉर्ज की हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है। जॉर्ज, मैं जानती हूँ हिचकियाँ कैसे ठीक करनी है। तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ। अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो। बढ़िया, अब तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो गई। पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया। जॉर्ज, ये तुमने बिल्कुल गलत किया। मुझे हिचकियाँ ठीक करने का अच्छा तरीका आता है। पहले एक टांग पर 3 बार ऊपर नीचे कूदो। अब अपना हाथ हिलाओ ऊपर और नीचे और अपनी जीभ बाहर निकालो। और अब अपनी आंखें बंद करो और तेजी से घूमो, सिर्फ 3 बार। पेपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया। जॉर्ज को अभी भी हिचकियां आ रही हैं। मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज। बीमार पिगी को एक शॉक दिया जाना चाहिए। जॉर्ज, मैं तुम्हें डराने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। याद रखना, ये सिर्फ डराने का खेल है। पेपा, तुम्हें जॉर्ज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है। माफ करना मम्मी, मैं जॉर्ज की हिचकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज की हिचकियाँ बंद हो गईं। अभी भी पकड़ा पकड़ी खेलती हो? ये तो छोटे बच्चों का खेल है। ओह, हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है। ठीक है, जॉर्ज के लिए खेलते हैं। तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चों वाले रूल्स के साथ? असली रूल्स के साथ। मैं शुरू करती हूँ। पकड़ने की बारी तुम्हारी। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। पेपा को, क्लोई और जॉर्ज को पकड़ना है। पकड़ सको तो पकड़ लो। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकती हूँ, तुम कितने छोटे हो। ये गलत है, तुम जॉर्ज की मदद कर रहे हो। क्योंकि वो बहुत छोटा है। क्या मैं तुम्हारी भी मदद करूं? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ। तो फिर चलो पेपा, हमें पकड़ कर दिखाओ। तुम नहीं पकड़ पाओगी। चलो पकड़ो हमें। ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं? ठीक है, मैं बड़े बच्चों के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ। उसका नाम है चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी? मुझे खेलना है चतुर लोमड़ी। कैसे खेलते हैं? एक खिलाड़ी होगा चतुर लोमड़ी और दूसरे उस पर झपट पड़ेंगे। मुझे बनना चतुर लोमड़ी। पेपा है चतुर लोमड़ी। जब उसका ध्यान नहीं होगा तब दूसरे उस पर चुपके से झपट पड़ेंगे। पर अगर पेपा ने मुड़कर किसी को हिलते हुए देखा तो उन्हें दोबारा पीछे से शुरुआत करनी होगी। जॉर्ज, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, पहले से शुरू करो। पकड़ लिया, मैं जीत गई। लेकिन मैं रेडी नहीं थी। रूल्स के हिसाब से मैं जब चाहूँ हिल सकती हूँ, है ना जॉर्ज? अब चतुर लोमड़ी बनने की बारी क्लोई की है। पेपा और जॉर्ज को बिना हिले रहना होगा। पेपा, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, फिर से शुरू करो। ये गलत है, तुमने बहुत देर तक देखा। रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूँ देख सकती हूँ। दोबारा शुरू करो। जॉर्ज जीत गया। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पेपा, वो पानी गंदा है। ओफो, पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। हाँ, हाँ। क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया।
पानी कहाँ है? पापा रुको। सॉरी मम्मी। डैडी पिग प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भीग गए। चलो अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पपेट बना सकते हैं? हाँ। क्लोई पपेट की आंखें पेंट कर रही है। मैं मुंह बनाऊं? हाँ बनाओ। मेरा नाम पेपा है। जॉर्ज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डायनासोर। क्या डायनासोर? जॉर्ज हर चीज के लिए डायनासोर ही कहता रहता है। ठीक है, डरावना डायनासोर पपेट बनाते हैं। क्लोई जॉर्ज के लिए डायनासोर बना रही है। इसे नुकीले दांत चाहिए, ऐसे। डरावना डायनासोर। लंच तैयार है। आ रहे हैं। खाने के बाद हम सबको पपेट शो दिखाएंगे। आंटी पिग ने खाने में नूडल्स बनाए हैं। ये नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स। तुम दोनों भाई भाई हो, ये पता चल रहा है। हर चीज में एक जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बिल्कुल अलग हैं। पेपा, जॉर्ज और मैं सबको एक पपेट शो दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे, तैयारी हो जाए तो बताना। बाद में मिलते हैं। पपेट शो, मजा आएगा। क्या और नूडल्स खाने के लिए वक्त है? क्या मैं भी खा सकता हूँ? पपेट शो शुरू होने वाला है। हेलो, मेरा नाम है क्लोई। और मैं हूँ पेपा। एक डायनासोर। डरावना डायनासोर। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत अच्छे। मैं हूँ अंकल पिग। हेलो अंकल पिग। हेलो पापा। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। लग रहा है उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों, चाय का वक्त हो गया है, अपने अपने हाथ धो लो। जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज, बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज, अगर तुम्हें मेरी गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों, अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी हमारे हैं। जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है। जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है।
पेपा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ है डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे। ओह मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। मेरा बर्थडे है। जॉर्ज उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है, उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यप्पी। मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा। ओह, क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस। मैं इसे डैडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा। मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओ डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है, थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। हो, 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 किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। बुद्बाजाओ। हाँ, अद्भुत जादूगर। डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। पेपा के दोस्त आ गए। कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्तों। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। क्या मैं इसे पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शीप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है, वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो, शाबाश पेपा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है। मूवी 3000। अब वो आवाज नहीं आएगी। शाबाश पेपा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी मेरा लीजिए। ओके पेपा। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। फिर से। अच्छा ठीक है। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ, डैडी पिग आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी, पेपा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया।
जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पापा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। कैसे हो दोस्तों? हेलो पापा। हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पापा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ नर्स सूजी। मुंह खोल कर कहिए आ आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर।
पेपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। डायनासोर। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी साबित करता हूँ। पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है डैडी, बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए। मैं बहाना नहीं बना रहा पेपा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओ डैडी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओह, फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूंगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो बताओ पहले क्या करूं? पहले आपको थोड़े प्रेसअप्स करने हैं। आसान है। एक, दो, शाबाश डैडी, अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेसअप्स करने हैं। एक, दो। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेसअप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14, 15, 16, 17। डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेस अप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। ओ शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा, मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है, ये साइकिल बहुत शोर कर। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग, पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मम्मी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पेपा। पेपा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है, जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। वाह!
उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। डैडी पिग, दादा पिग। डैडी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पापा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बियर। मम्मी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बियर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बियर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ।
जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओ ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे। ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। ये क्या है? ये दांत है। ये कहां से आया? पेपा तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है। ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा। इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। हो, 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 हो। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। ये
मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओह नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ, ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिक पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिक भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं। लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हाथ है। डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पापा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा। पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओह हाँ बिल्कुल, हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो। गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो हो गया। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी, क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा, वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू! चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी।
देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ, बचाओ, कोई इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। ओ, दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग। क्या हम आपकी मदद करें? नहीं पेपा, तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए और जॉर्ज तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पेपा रुको। माफ करना मम्मी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए। ओह डियर, कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है। डैडी पिग, डैडी पिग। क्या बात है मम्मी पिग? डैडी पिग, आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं? जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी। ठीक है मम्मी पिग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओ शुक्रिया डैडी पिग। डैडी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूं। डैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। हुर्रे डैडी। हाँ, मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। डैडी, क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, हैप्पी मिसेस चिकन? मेरे ख्याल से तुम्हें मम्मी से पूछना चाहिए। मम्मी ने कहा हम बाद में खेल सकते हैं। फिर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहाँ है। डैडी क्या होता है ये जासूस? पेपा, जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूंढने में माहिर होता है। मैं चीजें ढूंढने में माहिर हूँ। तो ठीक है, पेपा ही जासूस है। जॉर्ज, मैं हूँ जासूस। मैं मदद करूंगी मिस्टर डायनासोर को ढूंढने में। मुझे लगता है जासूस को जॉर्ज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर कहाँ है? जॉर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डायनासोर कहाँ हो सकते हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। जॉर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डायनासोर उसके साथ होता है, तो मिस्टर डायनासोर टब में होंगे। मिस्टर डायनासोर टब में नहीं है। ओह, मुझे पता है मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जॉर्ज हमेशा रात को मिस्टर डायनासोर को अपने बिस्तर पर सुलाता है, इसलिए वो वहीं पर है। मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के बिस्तर में भी नहीं है। ओह, शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ, गार्डन, मैं वही कहने वाली थी। मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिस्टर डायनासोर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिस्टर डायनासोर यहाँ कहीं नहीं है। जॉर्ज, तुम्हें मिस्टर डायनासोर को हवा में उछालना पसंद है। मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डायनासोर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उछाल दिया है। वो वहाँ है, मैंने उन्हें पहले देखा। शाबाश पेपा, तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो। ताज़
डायनासोर। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है। जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ। और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ। तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है। वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज, मुझे मदद चाहिए। मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है, और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज, अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है। मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओह डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। पेपा को मिला है एक छोटा गड्ढा। जॉर्ज को भी मिला है एक गड्ढा। देखो जॉर्ज, कितना बड़ा गड्ढा है। जॉर्ज बड़े गड्ढे में पहले कूदना चाहता है। रुको जॉर्ज, पहले मैं देख लूँ ये सुरक्षित है या नहीं। अच्छा है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है।
सॉरी जॉर्ज, ये बस मिट्टी तो है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। आओ जॉर्ज, हम जाकर डैडी को बुलाते हैं। अरे ये क्या? डैडी, डैडी, सोचो हम क्या कर रहे थे। सोचने दो मुझे, तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या? नहीं नहीं डैडी। तुम अभी अभी नहाए हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हाँ हाँ डैडी, हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हो हो, और देखो क्या हाल किया है तुमने। ओ कोई बात नहीं, मिट्टी ही तो है। चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी। डैडी, साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ, सब गार्डन में खेल सकते हैं। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है, पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिक का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओ डैडी पिक, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है। जॉर्ज, ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी, इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। हो, शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिक, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ, आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मम्मी पिक वायलिन बजाती है। पेपा, तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बनना है एक एलिफेंट। ओ डियर, मैं एलिफेंट बनाना नहीं जानती, मैं टाइगर बना सकती हूँ। ठीक है, टाइगर बना दीजिए। लो हो गया पेपा, अब तुम एक टाइगर हो। मैं टाइगर हूँ। जॉर्ज, तुम क्या बनना चाहते हो? डायनासोर। एक डायनासोर? उसके बजाय एक टाइगर कैसा रहेगा? मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ। मैं टाइगर हूँ। मैं भी। टाइगर्स वुफ वुफ नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लियाँ होते हैं। और मैं एक बिल्ली हूँ। कैंडी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं? ओके। टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और फिर कूदते हैं। टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर। हेलो बच्चों, ओ ये क्या है? तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं।
तुम छोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो? डायनासोर। बिल्कुल ठीक, हमें जॉर्ज के लिए एक डायनासोर गुब्बारा ढूंढना है। तुम सबको गुब्बारे दिलाते हैं। हेलो मैडम गजेल, हमें कुछ गुब्बारे चाहिए। जरूर, मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुब्बारे हैं। क्या मैं एलिफेंट का गुब्बारा ले सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए पेपा। मुझे कांगारू चाहिए। एक लायन वाला। मुझे मंकी चाहिए। एक पैरट वाला। ओ हाँ, मेरे पास ये सब हैं। और सबसे जरूरी है, हमें एक डायनासोर का गुब्बारा चाहिए जॉर्ज के लिए। ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पेपा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पेपा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग। मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना। हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट। नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं। हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुंचने के रास्ते में खो गए हैं। क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुंचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी।
क्या खेलते हैं? ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी? सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं। हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी।